विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में राप्ती नदी के तट पर जिले में बढ़ते जल स्तर को कम करने के लिए यज्ञ और भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया और इस मौके पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष नरेंद्र मणि त्रिपाठी, पंडित राकेश शास्त्री, रविन्द्र गुप्ता, लवकुश ओझा और श्याम सुंदर अग्रही समेत भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे। और इस पूरे आयोजन के बारे में डुमरियागंज विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रभारी जी, जो आज आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? माँ चरावती राप्ती गंगा माँ से यह प्रार्थना करने के लिए कि डुमरियागंज और पूरा जनपद, सिद्धार्थ नगर ही नहीं, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश माँ चरावती राप्ती और गंगा से, जो उनके बाढ़ के कारण जनता पीड़ित है, त्रस्त है, हम सारे लोग यज्ञ के माध्यम से उनकी आरती करके, उनकी स्तुति करके यह प्रार्थना आज डुमरियागंज के इस राप्ती तट पर करने के लिए एकत्रित हुए थे कि हे माता, अगर हम लोगों से भी कोई त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो, तो आप क्षमा करें। आप माता हैं, आप क्षमा करती हैं। और जो ये आपका बढ़ना आम जनमानस के लिए खतरनाक सिद्ध हो रहा है, अगर आपकी कृपा होगी तभी हम सारे लोग सुरक्षित रहेंगे, हमारी जनता सुरक्षित रहेगी या पूर्वी उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। इसीलिए यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया गया था, आरती, महाआरती का आयोजन किया गया था, विधि विधान से पूजन करके आरती और यज्ञ का आयोजन हुआ है। और माता से हम प्रार्थना करते हैं आज के यज्ञ के माध्यम से कि माता, आज से इनका प्रकोप बंद हो, जिससे यहाँ पे जो भय का वातावरण बना हुआ है वो समाप्त हो। सिद्धार्थ नगर से सीनियर संवाददाता सचिदानंद मिश्रा की रिपोर्ट। सिद्धार्थ नगर में भी तीन तलाक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को भले ही निराशा हाथ लगी हो, लेकिन इस मामले पर उन्हें इंसाफ की उम्मीद बरकरार है। सिद्धार्थनगर जिले की तीन तलाक पीड़िता तस्लीम खान अभी भी उम्मीद लगाए बैठी है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है, इससे उन्हें जरूर इंसाफ मिलेगा। कोर्ट से जो फैसला आया है, उससे तो हम पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं है, लेकिन एक उम्मीद जगी है कि शायद कुछ बेहतर हो सके हमारे लिए। क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा इस फैसले से? हाँ, थोड़ी बहुत उम्मीद तो जगी है कि शायद इस फैसले से हमें कुछ इंसाफ मिले, हमारे हक में कुछ बेहतर हो। क्या लगता होगा बेहतर? उम्मीद तो है कि बेहतर हो। सिद्धार्थनगर से सीनियर संवाददाता कमलेश मिश्रा की रिपोर्ट।